हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक बार फिर से खेलने वाले हैं डॉन लैंड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना ट्यूटोरियल कंप्लीट किया था एंड सैंक्टिफिकेशन के बारे में सीखा था कि उसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज का प्लान है कि हम गेम की जो स्टोरी है उसको फर्दर प्रोग्रेस करें और एक दो नए पाल्स पकड़ने हैं। आज एक दो नए एनिमल्स को टेम करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। तो भाई अभी हमें बेल्सा के पास जाना है। बेल्सा इधर किधर ही होगा कहीं पे। ये रहा बेल्सा। ये मैंने इतना बड़ा वेपन ले रखा है, इससे बढ़िया मैं एक ये ना ले लूं। वुडन बो क्राफ्ट करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि लास्ट टाइम जब फाइट हुई थी तो सब कुछ चला गया मेरा। ये रहा बेल्सा, इससे बात कर लेते हैं पहले। तो मिस्टर बेल्सा, वी आर हियर, डिड यू पुट टुगेदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन यू टॉक्ड अबाउट यस्टरडे? द प्लेस आई मेंशनड अर्लियर इज अ स्ट्रेंज स्ट्रक्चर एंड आई परस्यूम इट इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ सीलिंग। बेसिस ऑफ सीलिंग इट इज सेट द ऑल्दो बेस ऑफ सीलिंग आर स्प्रेड अक्रॉस द लैंडस्केप दे आर ऑल हैव ब्लॉक्ड अवे ग्रेट थ्रेट टू द लैंड ईयर फ्रॉम नाउ बेस ऑफ सीलिंग मे इवन गिव बर्थ टू डिजास्टर्स। तो अब हमें एक नई लोकेशन पे जाना है सैंक्टिफिकेशन परफॉर्म करने, और अभी हमें पहले तो उसके लिए कलेक्शन करनी पड़ेगी, कुछ क्राफ्टिंग करनी पड़ेगी वेपन्स वगैरह की। तो एक नया मटेरियल मिला है हमको, रेजिन। अब रेजिन जो है हम यूज कर सकते हैं अपने एनिमल्स को टेम करने के लिए। तो अभी तो मैं नहीं जा रहा वहां पे। ये देखो भाई, हिरण, हिरण कितना बड़ा है, इसको मैं टेम कर लूं अगर हो सके। ओ भैया रे, इसको मैं टेम नहीं कर सकता भाई। हैं भाई, इसको मार सकता हूं मैं भाई? एक बार में गया। एक तो जानवर और मिल जाए यार, मेरे को लेदर वेदर मिल जाए सही से। हॉर्स वहाँ पे है, मैं उसके पास जा सकता हूँ। पहले तो मैं इस पिक को मार देता हूँ भाई। वन शॉट में किल हो रहा है। लेदर स्क्रैप, आ जाओ दुनिया भर के आ गए। रॉ मीट मिल रहा है, लेदर स्क्रैप मिल रहा है मुझे, है ना। इसके पास आराम से जाना पड़ेगा। ये क्या है भाई, इसको भी सैंक्टिफाई कर देते हैं। यार वो घोड़ा भाग गया, चलो एक दो और है वहाँ पे। मुझे है ना स्टेल्थ में जाना पड़ेगा। स्नीकिंग ये चाहिए ना, स्नीकिंग। क्या यार ये गॉब्लिंस, हाँ ये चाहिए ना। आराम से जाऊंगा तो वो घोड़ा भागेगा नहीं। अब इसको मैं टेम करूंगा आसानी से। टेम कर लेते हैं। When two reticles overlap, touch it to tame the horse. अबे ओवरलैप करें जब, हाँ अब हुआ ना टेम। यस अब टेम हो गया। चलो भाई टेम कर लिया इसको, अब ये हमारे ऑर्डर्स मानेगा। क्यों भाग रहा भाई तू? पर रुक जा एक मिनट, रोकते कैसे हैं भाई घोड़े को। चलो भाई आराम से चल तू, पहले धीरे धीरे चलाना सीखूंगा तुझे तो मैं। घुड़सवारी कर रहे हैं चलो आज से ही। अभी हमें स्टैचू के पास जाना है। हाँ यहाँ पे आना था ना मेरे को। रुको रुको भाई, रुको रुको रुको। उतरते कैसे है इस पे से? हाँ ऐसे उतरते है ना, ऐसे चढ़ते हैं और ऐसे उतर जाते हैं। चलो समझ में आ रही है धीरे धीरे चीजें। अब मैं क्राफ्टिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी। मुझे एक ब्रेसर्स बेल्ट ये सब भी बनाने थे। वुडन एरो चाहिए थी, वुडन बो ये थी, स्टोन एक्स भी ले लेते हैं, काम आएगी बाद में। और ये सब भी मैं मंगा सकता हूँ, अनलॉक कर सकता हूँ मैं इसको। रेसिपी पेज मेरे पे 6 पड़े हुए हैं। रेसिपी पेज मिलते कैसे हैं? अच्छा जैसे कल मैंने वो डस्ट डाली थी ना उस स्टैचू के ऊपर, तो मेरे को रेसिपी पेज मिला था, तो मेरे को वैसा ही कुछ और करना पड़ेगा। अभी तो मुझे है ना इस बंदे के पास जाना है। अच्छा इसे मैं अपने घर के पास बांध सकता हूँ, एक बार देखता हूँ जाके। इसे अपने घर के पास ले जाता हूँ। ये है मेरा घर, छप्पर वप्पर कुछ भी नहीं है। इसको भी मैं बनाऊंगा अभी ना कभी तो बनाऊंगा इसको भी मैं। इस हॉर्स को है ना वो करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, पर ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा आई थिंक। अरे भाई आराम से, कभी कैंप फायर में मत जल जाइए तू। यहाँ पे रख देता हूँ। अरे यार मेरी एनर्जी जा रही है। और मेरा हॉर्स, और मेरा हॉर्स मर रहा है मेरा हॉर्स। भाई यार मैं भी पागल ही हूँ, मेरा हॉर्स मरने के हो गया था। मुझे खाना खाना पड़ेगा, मेरे में खुद में आग लग गई थी वहाँ पे। रोस्टेड मीट मिल गया, रुक जाओ मैं ना मीट पका के ले आता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसी पागलपंतिया करने वाला हूँ। यहाँ पकेगा मेरा मीट, रोस्ट कर लेते हैं मीट को। इन्हें एप्पल वेप्पल खा लेते हैं, मशरूम ले सकते हैं हम एक्चुअली, मीट खा लेते हैं। अच्छा फुल हूँ मैं यार, मेरी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी आई थिंक। गो टू द स्टैचू टू फाइंड आउट व्हाट द स्टार डस्ट इज फॉर। तो मुझे पहले यहाँ जाना है और आई थिंक एरो आ रहा होगा ना, 70 मीटर आगे ही है। चलो यहाँ चलते हैं पहले। अच्छा इस स्टैचू के पास ही जाना था, ऊपर कुछ अलग सा हो रखा है पहले से। एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ से उतरता हूँ, के पास जाते हैं। क्या दिक्कत है स्टैचू में? वी आर बाउंड टूगेदर यू एंड आई बाय द एटर्नल स्टार्स, इंक्रीज एट्रीब्यूट्स। तो मैं ये इंक्रीज कर सकता हूँ इससे, तो पहले मैं राउज करना चाहिए। मुझे ये रिवॉर्ड्स क्लेम करने पड़ेंगे, इतने सारे रिवॉर्ड्स मिल गए मेरे को, ये लड़ने में ही काम आएंगे। अब मैं ये इसे इंप्रूव कर लेता हूँ। द पावर हिडन इनसाइड द स्टार डस्ट हैव बीन अवेकन बाय द स्टैचू, आई वाज अफ्रेड दे वर कॉमन स्ट्रेंज समथिंग स्ट्रेंज, दिस इज अमेजिंग, यू आर इवन स्ट्रॉन्गर नाउ। यस मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ पहले से। और अब क्या करना है? अब जाना है हर्ड टू फाइंड आउट, फाइंड अ हर्ड ऑफ वाइल्ड हॉर्सेस। ओके तो मैं छलांग भी मार सकता हूँ अपने इस
हॉर्स से, टेम आ हॉर्स। हॉर्स तो मैंने टेम कर लिया एक्चुअली यार, वो टेम करवा रहे हो मेरे से। रिटर्न टू द बेल्सा एंड शेल्टर टू टॉक टू बेल्सा। ओके, तो जो मुझे टेमिंग करनी थी ना, ये अब करनी थी और मैंने पहले ही कर लिया इसे। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे है ना पहले बेल्सा के पास जाना पड़ेगा। अब बेल्सा से बात करते हैं पहले तो। बता बेल्सा क्या दिक्कत है। इज अ हाइचिंग पोस्ट ओवर देयर एट द शेल्टर, पुट अ सैडल ऑफ द हॉर्स सो यू कैन इजीली समन इट इन द फ्यूचर। टेक योर टाइम, दिस इज द लास्ट स्टेप बिफोर वी लीव, फाइंड मी व्हाट इज डन। राइडिंग अ हॉर्स कैन बी अनकंफर्टेबल, अ सैडल कैन मेक द वाइल्ड ऑफ डिफरेंसेस। ओके, तो मुझे सैडल बनानी पड़ेगी यहाँ पे। एक सैडल के लिए मुझे हिचिंग पोस्ट, हिचिंग पोस्ट से बनेगी सैडल हमारी। तो सैडल माउंट हो गई है। क्लिक द समन बटन टू समन योर माउंट एनी टाइम यू लाइक। तो हॉर्स मेरा अच्छा, मैं कहीं पर भी होऊंगा और मैं इस बटन को दबा दूंगा तो सैडल की मदद से हॉर्स मेरे पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे हॉर्स पार्क रहेगा, आई थिंक हॉर्स पार्क रहेगा, मतलब हॉर्स खड़ा रहेगा यहाँ पे। अब बेल्सा के पास जाना है मेरे को। हाँ भाई बता क्या दिक्कत है फिर से। नाउ वी आर रेडी टू गो, ऑल्दो आई हैव विटनेस्ड योर स्ट्रेंथ एट टाइम स्टिल वरीड, द इवल एंट्रेंस एट द बेस ऑफ सीलिंग एक्सट्रीमली पावरफुल, मेक श्योर यू ब्रिंग योर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एंड इक्विपमेंट, बी सेफ। ओके, तो मुझे पहले यहाँ जाना है बेस ऑफ सीलिंग पे। आई थिंक कुछ बॉस फाइट वगैरह होने वाली है हमारी। ये कह रहा है तैयारी वैयारी कर ले बस अपनी, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। मेरे पे काफी सारा सामान तो है, 20 एरोज है, मैं एरो भी थोड़ी और बना लेता हूँ। वुडन एरो थोड़े और बनाते हैं, 40 है मेरे पे वुडन एरो। मैं पेंट भी मंगाना चाहता था। एक काम करता हूँ, थोड़े बहुत है ना वो ले आता हूँ पहले, स्क्रैप वगैरह, ताकि मेरी जो प्रोटेक्शन है ना वो हो सके। तो पहले ये स्टोन एक्स ले लेते हैं, पिक्स से मिलेगा मुझे लेदर स्क्रैप। पिक्स कहाँ पे यहाँ भी है, और ये वाला पिक तो बहुत बड़ा है। हाँ भाई पिक ओवर है तो पूरा। इससे क्या मिलेगा मेरे को, लेदर स्क्रैप मिलेगा। थोड़े बहुत और पिक्स मार देते हैं। ये तो मेरे को बहुत सारे मिलते हैं गोब्लिन बॉक्सर्स। अरे भाई टैकल कर रहा है हमारा घोड़ा, यहाँ खड़ा हुआ है यार। मुझे घर भी बनाना पड़ेगा ताकि मेरा हॉर्स भी सेफ रहे। ये मैंने पैंट बना लेता हूँ एक। चलो भाई अब मैंने कुछ पैंट वेंट तो पहन ली, आज ऐसे ही सो जाते हैं क्योंकि अभी लड़ाई के लिए भी जाना है मेरे को। आज तो कोहरा सा हो रखा है यहाँ पे, क्या बात है, ठंड हो रखी है। आज तो दिख भी नहीं रहा भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा आज तो, कोहरा हो रखा है कैड़े वाला। इससे हम पहले बेस ऑफ सीलिंग के बारे में पूछते हैं, जहाँ हमें जाना था बेस ऑफ सीलिंग के पास। रीच बेस ऑफ सीलिंग, बेस ऑफ सीलिंग चलते हैं अब सीधा। चलो भाई ऊपर आ गया मैं, अपने हॉर्स को मैं कहाँ पार्क करूँ, अभी और आगे जाना आई थिंक। और भाई पीछे से मार रहे हैं, पहले मुझे यहीं पे ही करना पड़ेगा आई थिंक। इनको तबाह करूंगा पहले तो। स्टोन क्लब ग्लोबिन, ये कुछ अलग से है पहले से। चलो भाई मरो तुम सारे के सारे। तो वाके लेदर स्क्रैप मिल गया, पहले से सैंक्टिफाई कर देता हूँ। द मॉन्स्टर सील्ड इज द प्लेस इज गारंटेड टू बी फ्यूरियस, वी आर हार्ड टाइम फाइटिंग इट विद द वेपन्स एंड इक्विपमेंट वी हैव नाउ, व्हाई डोंट वी कम बैक आफ्टर मोर प्रिपरेशन। कोई नहीं यार मैं कर लूंगा, डोंट वरी मैं देख लूंगा। बताऊ उसको तोड़ने रिकमेंडेड लेवल। तो मेरे को विथर्ड मास्क भी चाहिए। सैंक्टिफाई द टोटम्स इन द, तो पहले मैं अपने हॉर्स को बुला लेता हूँ, हॉर्स पे बैठ के चलते हैं। अच्छा ये है ना मर अब तू, इसको सैंक्टिफाई करना, इसको भी मार देते हैं। अब इसे सैंक्टिफाई करते हैं जल्दी से। विथर्ड मास्क मिल गया हमको जो हमें चाहिए था। सैंक्टिफाई द टोटम्स इन द मॉन्स्टर, कंटिन्यू कलेक्ट विथर्ड मास्क, सैंक्टिफाई द टोटम इन द मॉन्स्टर कैंप। चेस्ट को ओपन कर लेते हैं, तो हमको ये सारा सामान मिल गया भाई, क्लेम कर लेते हैं सब कुछ। अब मेरे को दूसरा ही जगह जाना है, उसको भी सैंक्टिफाई कर देते हैं, वहां से भी एक विथर्ड मास्क मिलेगा मेरे को, सैंक्टिफाई कर देते हैं। और मॉन्स्टर्स कहाँ पे हैं ये रहा, अब करते हैं सैंक्टिफाई से। चलो भाई विदर्ड मास्क मिल गया हमको। ओ भाई अब हमको फाइनल फाइट करनी है केंडा से। अब हमें जाना है समन एंड डिफीट केंडा एट द बेस ऑफ सीलिंग। फाइनल फाइट जो मैं कह रहा था ना वो करनी है हमको। डोंट वरी हम लड़ेंगे इससे। स्टार्ट चैलेंज, सील तोड़ दी हमने इसकी, अब आ जाएगा ये। हम अपना ये बढ़िया वाला वेपन ले लेते हैं। आ गया भाई केंडा। और कहाँ गया ये रहा केंडा भाई। अबे ये कैसा है भाई, पीछे से हॉर्स जैसा है। अरे भैया रे मैं तो मार दिया इसने भाई। खाना दो खाना खाना खाना, पोर्शन ले ले पोर्शन। पोर्शन ले लिया, कुछ हुआ नहीं क्या। भाई तो मार देगा मेरे को ऐसी। पीछे हो पीछे 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 हो, मार दिया इसने तो यार। सफिशिएंट फूड एंड पोर्शन बनाना पड़ेगा मेरे को, क्राफ्ट एंड एनहांस वेपन एंड आर्मर। तो पहले हम रिकर्सेशन पॉइंट पे चलते हैं, रीस्पॉन होके अपने हॉर्स को बुला लेते हैं।
ये रहा हमारा हॉर्स। तो आई थिंक आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। अभी मैं इस गेम को थोड़ा ऑफ कैमरा खेलूंगा, थोड़ा सा और तैयारी कर लूंगा, बढ़िया बढ़िया वेपन्स ले लूंगा और आर्मर भी बना लूंगा ऑफ कैमरा खेल के। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सीधा बॉस फाइट लड़ेंगे और तैयारी के साथ जाएंगे, उसको हरा के आएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।